हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बिंदास होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी के हेड ट्रांसप्लांट के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने अपना हेड ट्रांसप्लांट कब कराया था और उनका धीरे धीरे कैसे बाल बढ़े और फिलहाल प्रेजेंट कंडीशन क्या है, क्या उनके ये एक्चुअल रिजल्ट है ट्रांसप्लांट का, या वे विग लगाते हैं या हेयर फाइबर यूज़ करते हैं, मतलब क्या करते हैं, या आप उनके ओरिजिनल बाल है, तो इससे रिलेटेड पूरी बात होगी। और मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो सिर्फ ये है कि उनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, क्योंकि आपको भी पता है जो हमारा चैनल है वो हेयर ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग है, तो हम हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो सब कुछ आपको वीडियो के थ्रू बताते हैं। तो मेरा उनको महेंद्र सिंह धोनी सर का कोई इंसल्ट करने का कोई इरादा नहीं है, सिर्फ एक नॉलेज के पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूँ। तो आप भी नॉलेज के पर्पज़ से वीडियो देखना, और वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो शुरू करने से पहले हमें उनके जो पुराने बाल है 2007-08 में, उनको देखना ज़रूर चाहिए। आप देख सकते हैं फोटो वीडियो में, आप देख सकते हैं 2007-08 के टाइम उन्हें कितने अच्छे बाल थे, बहुत ही ज़बरदस्त, खास तौर से बड़े बालों के लिए बहुत फेमस थे। अपने क्रिकेट के लिए तो फेमस ही थे, अपनी कप्तानी के लिए, अपनी बल्लेबाजी के लिए, साथ में अपने बालों की वजह से भी बहुत फेमस थे। और एक बार जो पाकिस्तान के पीएम है उन्होंने भी इनके बालों की बहुत तारीफ की थी, आपने शायद वीडियो देखी होगी। तो इतने बाल इनके फेमस थे, तो क्यों ना इनके बालों के ऊपर वीडियो बनाई जाए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो देखी 2007-08 में उनके बाल कैसे होते, फिर धीरे धीरे उनका हेयर फॉल होने लगा। आप ये फोटो देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि इसमें काफ़ी छोटे बाल है और इनकी हेयर लाइन है थोड़ी रिसीड होने लगी। फिर धीरे धीरे और टाइम गुजरा और इनकी हेयर लाइन रिसीड होने लगी, धीरे धीरे इनका हेयर फॉल बढ़ने लगा। तो लगभग 14-15 के टाइम इनकी कुछ ऐसी कंडीशन थी, इनकी जो हेयर लाइन काफ़ी रिसीड हो गई थी। फिर लगभग 2017 के आसपास ये है इनकी कंडीशन, आप देख सकते हैं 2017-18 के टाइम के ये इनके कुछ बाल देख सकते हैं कि इनकी हेयरलाइन काफी ज्यादा रिसीड हो गई, आगे से काफी ज्यादा गंजापन आने लगा। आपने इनके कभी जो इनके बड़े भाई है उनकी फोटो देखी होगी तो आपको पता होगा उनकी हेयरलाइन भी रिसीड हो गई थी, तो इनकी हेयरलाइन भी रिसीड हो गई। मुझे लगता है कि यहाँ पे इनका जेनेटिक हेयर लॉस है, जो जेनेटिक हेयर लॉस होता है उसको रोकना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस तरह फिर इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने का डिसीजन लिया, और लगभग मुझे लगता है इन्होंने जो अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया वो 2018 या 2017 के एंड में कराया था। थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कब कराया। तो फिर इन्होंने अपना, जैसा कि हम मान लेते हैं यहां पे इन्होंने 2018 में अपना ट्रांसप्लांट कराया, तो 2018 के टाइम 19 के टाइम इनके कुछ ऐसे बाल थे, इन्होंने जो अपनी हेयरलाइन बनाई थी काफी आगे बनवाई थी और टेम्पल भी बहुत ज्यादा डेंस बनवाए थे और आगे बनवाए थे। इनका जो फोरहेड है वो ट्रांसप्लांट के बाद बहुत छोटा लग रहा था, बहुत ही छोटा, लेकिन इनको जो हेयरलाइन है इनके फेस को बहुत ज्यादा सूट कर रही थी, बहुत ही जबरदस्त लग रही थी। पहले तो ये अपने बालों को छोटा रखते थे, आपने देखा होगा 2019, 2020, 2021, 2022 के आईपीएल में इनके बाल ज्यादातर छोटे होते थे, लेकिन जैसा कि अब आईपीएल चल रहा है 2024, तो आपने कुछ इनके फोटो वीडियो देखी होगी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इनके बाल एकदम बड़े, डेंस, एकदम घने, जबरदस्त बाल। इनको देख के लग रहा है कि जैसे ये कोई एक्टर है, ये क्रिकेटर नहीं एक्टर है, बहुत ही गुड लुकिंग लग रहे हैं ये ट्रांसप्लांट के बाद। इनके जो बाल है बहुत ही जबरदस्त लग रहे हैं, इनकी जो पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा इनहेंस कर रहे हैं इनके बाल। आपको इनके बाल कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे तो इनके बाल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे इनके बालों में एक डाउट है। आपने 2023 के नवंबर में ये उत्तराखंड घूमने गए थे, वहां पे आपने ये वीडियो फोटो देखे होंगे, आप देख सकते हैं इन फोटो वीडियो में इनकी थोड़ी जो हेयरलाइन है उनमें थोड़ी सी मुझे डेंसिटी कम लग रही थी, ये क्या कारण है मुझे भी नहीं पता। और अब जो आईपीएल 2024 है उसमें इनके बाल बहुत ज़्यादा घने, डेंस है, तो उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। या तो ये थोड़ा हेयर फाइबर यूज़ करते हैं अपने बालों में, या इन्होंने सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट कुछ बाल लगवाए हैं, कुछ भी हो सकता है। मुझे तो ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है इनके बाल। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्या इनके ये नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांटेड बाल है या इन्होंने अपने बालों में कुछ दोबारा किया है, जैसे सिंथेटिक हेयर डलवाए हो या हेयर फाइबर यूज़ करते हो, कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन इनके बाल बहुत ज़बरदस्त है, वैसे इनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे इनके बाल अच्छे खासे डेंस है, लेकिन थोड़ा सा मुझे डाउट इसलिए हुआ क्योंकि जब उत्तराखंड गए थे तो इनकी हेयरलाइन में थोड़े मुझे पैचेस लगे थे, तो वो क्या कारण था मुझे भी नहीं पता, क्या पता बाल सेट नहीं सही किए गए होंगे। और अब इनके बाल जैसे ही एक मुंबई के जो बहुत फेमस है वहाँ पर अपने बाल सेट कराते, तो उन्होंने कुछ इस तरह कटिंग की होगी,
होगी कि इनके बाल ज़्यादा डेंस लगने लगे, तो ये भी हो सकता है। बाकी आपने देखा होगा जब भी बॉलीवुड वाले या क्रिकेटर अपना फोटो शूट कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, वो अपने बालों को डेंस करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, जैसे हेयर फाइबर वगैरह यूज़ करते हैं, तो शायद इन्होंने भी किया हो, ऐसा हो सकता है। तो आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये कुछ ऐसी वीडियो थी, ऐसी जर्नी थी, और मैं फिर आपको बोलूँगा कि मेरे को महेंद्र सिंह धोनी की कोई इंसल्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जो एक्चुअली उनकी बालों की कंडीशन है वो आपको दिखानी थी, वो आपको बतानी थी। बाकी जो भी है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपका सजेशन यहाँ पर ज़रूर मांगूंगा कि आपका क्या सजेशन इनके बालों को लेके। तो ये कुछ ऐसी वीडियो थी, ऐसी जर्नी थी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके जल्दी आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।